और इसलिए विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है। आज के लोकार्पण और शिलान्यास इसी सोच का विस्तार है। भाइयों और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यवतमाल की प्रगति भी यहाँ की सड़कों और रेलवे से सुनिश्चित होनी है। इसी भावना के साथ थोड़ी देर पहले सड़क से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा पुणे अजनी पुणे हमसफर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ये ट्रेन दौंड, मनमाड़, भुसावल और बडनेरा होते हुए जाएगी। इससे इन सभी जगहों के लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। साथियों, सड़क और रेल सुविधा के अलावा यवतमाल के 14,500 से अधिक गरीब परिवारों ने आज अपने नए घर में प्रवेश भी किया है। जिनको भी ये पक्के घर मिले हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब पक्के घर हैं तो सपने भी पक्के होंगे। साथियों, केंद्र सरकार ने 2022 तक हर बेघर को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है और ये सरकार तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। जिन परिवारों को अब तक घर नहीं मिला है वे भी इस बात पे भरोसा करें, ये मेरा वचन है, 2022 के पहले हर परिवार को पक्का घर होगा, होगा, होगा। अब तक देश के गांव और शहरों में 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं। पिछले 4 वर्षों में महाराष्ट्र में भी लगभग 2.5 लाख घर बने हैं। फडणवीस जी की सरकार ने भी 50,000 से ज्यादा घर बनवाए हैं। यहां यवतमाल में भी लगभग 12,000 घरों पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं ये गरीबों को आत्मविश्वास तो दे ही रहे हैं, साथ में हमारी बहनों के सशक्तिकरण का भी साधन है। जिस प्रकार यहां की हमारी परंपराओं में बहनों को प्राथमिकता दी जाती है, माताएं परिवार और समाज को दिशा दिखाती हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले घरों की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है।